एक ऐसी बात सुनी है मैंने कि सुन के तुम लोग पागल हो जाओगे। एक ग्लोबल बेटा में वो लोग इंक्लूड करेंगे 1.5 के, ऐसा उन्होंने कहा है। अभी अगर आगे जाके नहीं आया तो अभी मतलब क्या बोलूं यार, मतलब मेरी कोई गलती नहीं। मैंने नहीं बोला कि वो बोला। तो तूने क्या बोला? मैंने बोला कि वो बोला। लेकिन मैंने जब उससे पूछा कि वो बोला तो तू बोलता कि वो नहीं बोला। हाँ वो नहीं बोला। और तूने मुझे बोला कि वो बोला। मैंने नहीं बोला कि वो बोला, मैंने बोला कि वो बोला। मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने कहा था। अभी उनके एंड मोमेंट में कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। गेम प्ले अभी तक आया नहीं है क्योंकि अपडेट अभी तक पुश नहीं हुई। एंड अभी आप बोले कि अपडेट कब आएगी, तो जून मंथ। मैं कहते आ रहा हूँ मेरे वीडियोस में कि जून मंथ इट्स गोइंग टू बी अ ब्लास्ट। What is going on, dude? Welcome back guys to the channel and ये वीडियो में guys मैं आपको कुछ information देने वाला हूँ, ये related है further updates के साथ। एंड ये जो भी मैं कहने वाला हूँ, of course इसका gameplay अभी तक आया नहीं है क्योंकि updates आए नहीं है। और guys ये वीडियो में मैं आपको कुछ अंदाजा बताने वाला हूँ कि आगे जो है हम PUBG मोबाइल से रिलेटेड क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो में guys मैं आपसे वो सब क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे रिलेटेड अबाउट द ग्लोबल वर्जन, ठीक है। ग्लोबल वर्जन में हमें फर्दर अपडेट्स में क्या क्या देखने को मिल सकता है, एंड ये ऑफिशियल लाइक PUBG वालों ने कह दिया था, हमें एक हिंट दे दी थी। तो गाइस 1.5 जो नेक्स्ट वर्जन होने वाला है ना, उसमें विकिंडी 2.0 कंफर्म है। कंफर्म इन द सेंस ग्लोबल वालों ने कह दिया है ट्विटर पे एक पोस्ट डाल के, मैं आपको सामने दिखा दूंगा अगर मुझे मिला तो। लेकिन ग्लोबल वर्जन में वो चीज पक्की हो चुकी है, ठीक है। विकिंडी 2.0 ये ग्लोबल बेटा में वो लोग इंक्लूड करेंगे 1.5 के, ऐसा उन्होंने कहा है। अभी अगर आगे जाके नहीं आया तो अभी मतलब क्या बोलूं यार, मतलब मेरी कोई गलती नहीं। मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने कहा था। अभी उनके एंड मोमेंट में कुछ चेंजेस होते हैं तो अभी उसके ऊपर मेरी तो कोई गलती नहीं, ठीक है। तो ग्लोबल वर्जन में गाइज वो एक चीज है, बहुत ही मेजर चीज। अभी उसी के साथ कुछ न्यू मोड्स आ सकते हैं। अभी न्यू मोड्स क्या होंगे पता नहीं, कुछ आइडिया नहीं है। रही बात अबाउट द न्यू गन, तो गाइज MG3 जो है वो हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी जैसे आप देख रहे हो ग्लोबल वर्जन में M249 जो है अभी तक ड्रॉप से हटाई नहीं गई है, लेकिन M249 पे अभी जो है चेंजेस हो चुके हैं। दिखने में भी जो है वो M249 थोड़ी छोटी है, एंड उसका लुक चेंज किया है। एंड वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी मैगजीन साइज, तो बाई डिफॉल्ट आई थिंक 75 राउंड होता है, एंड उसके ऊपर एक्सटेंडेड मैग लगा के 150 बुलेट्स या फिर 150 राउंड मैगजीन बढ़ा सकते हो, तो दैट इज प्रीटी इनसेन। तो ये जो चेंजेस है गाइस अभी हो चुके हैं, एंड प्रोबब्ली नेक्स्ट वर्जन का मैं फाइनल नहीं कर सकता, लेकिन गेम फॉर पीस में ये सब हो चुका है। गेम फॉर पीस में न्यू MG3 भी आ चुकी है, मैंने आपको गेम प्ले बता दिया है। सो इसलिए कह रहा हूं गाइस नेक्स्ट वर्जन में हम जो है वो न्यू MG3 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि M249 पे चेंजेस हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट वर्जन में होगा क्या, M249 ड्रॉप में से भी निकाली जाएगी, M249 नॉर्मल वर्ल्ड लूट स्पॉन होगी। तो जैसे आपको M4 वगैरह देखने को मिलती है बिल्डिंग्स वगैरह में, तो वैसे ही M249 में देखने को मिलेगी। एंड रही बात अबाउट द न्यू मशीन गन, तो वो जो है ड्रॉप में आ जाएगी, एंड न्यू मशीन गन 7.62 वाली एमओ यूज करती है, 5.5 वाली नहीं, ठीक है। सो ये तो रही गाइस बात अबाउट द ग्लोबल वर्जन, एंड अभी बात करेंगे गाइस रिलेटेड अबाउट द गेम फॉर पीस। एंड ये गेम फॉर पीस का जो नेक्स्ट बेटा होने वाला है ना, या फिर नेक्स्ट वर्जन होने वाला है ना, भाई साहब मतलब धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमें कुछ चीजें देखने को मिली है जो कि मैं आपको सामने दिखाऊंगा एंड शेयर करूंगा आपसे। बट जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था गाइस, ये अभी तक जस्ट लीक्स है, फोटोज है, गेम प्ले अभी तक आया नहीं है क्योंकि अपडेट अभी तक पुश नहीं हुई। एंड अभी आप बोले कि अपडेट कब आएगी, तो जून मंथ। मैं कहते आ रहा हूँ मेरे वीडियोस में कि जून मंथ इट्स गोइंग टू बी अ ब्लास्ट, एंड सच्ची में जून मंथ में जो है ये अपडेट आने वाली है। एंड और भी बहुत कुछ अपडेट्स आपको पता ही है जून मंथ में क्या क्या है, तो उसी में से ये एक अपडेट है गेम फॉर पीस के बेटा की, तो आई थिंक जून के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। तो इट्स अमेजिंग, एंड इसमें जो आने वाला है ना मोड्स वो बहुत ही खतरनाक है। इसके थोड़े से मैं ग्लिम्स आपको दिखा देता हूँ रिलेटेड अबाउट द फोटोज एंड ऑल। एंड ये जो है गाइस मुझे एक अपने डिस्कॉर्ड मेंबर ने भेजा है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, वही मुझे अकाउंट में हेल्प कर देता है। सो गाइस अगर आपको और भी अपडेटेड रहना है डिस्कॉर्ड पे जाओ, मेरे सर्वर पे ज्वाइन हो जाओ, कभी कभी बातचीत भी होती है एंड नए फ्रेंड्स भी बना सकते हो। सो इसलिए गाइस ज्वाइन करना डिस्कॉर्ड सर्वर, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। बट यहाँ पे गाइस मैं आपको सामने कुछ स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ या फिर कुछ फोटोज दिखाता हूँ, यहाँ पे तो मैंने फिलहाल मोबाइल पे ओपन किया, बट मैं आपको सामने दिखाता हूँ कि गाइस गेम फॉर पीस में जो मोड्स आने वाले ना बहुत ही धमाकेदार मोड्स है। एंड वहाँ पे जो है गाइस टोटली डिफरेंट, लाइक सीरियसली फ्यूचरिस्टिक वाला कुछ तो मोड आने वाला है। अभी इसके ऊपर एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं है कि मैप कैसा होगा, क्या क्या उसके अंदर देखने को मिला, क्या
क्या देखने को मिलेगा वो तो है एक चीज, जैसे कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जैसे कि द रिच सीन्स बिल्डिंग्स वेपन्स एंड व्हीकल रिसोर्सेस इन द गेम विल बी यूज्ड एज विजुअल रिसोर्सेस मॉड्यूल्स एंड मतलब खतरनाक है। एंड यहाँ पे एक किसी फोटो में जो है एक हमें व्हीकल भी देखने को मिला है, एक सॉर्ट ऑफ बाइक जैसा ही है बट वो हवे में है, यू नो फ्यूचरिस्टिक काइंड ऑफ वे में है भाई, पूरा का पूरा डेवलप कर दिया है। अभी देखो कैसे इरांगल का मॉडिफाइड वर्जन है या फिर टोटली डिफरेंट मैप है, इसका अभी तक कुछ खुलासा नहीं हुआ है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि नेक्स्ट मंथ में जब ये बेटा रिलीज होता है आपको डेफिनेटली इस चैनल पे गेम प्ले देखने को मिल जाएगा गाइस, जैसे कि गॉडज़िला लगा मैंने आपको सबसे पहले दिखा दिया था वैसे ही ये वाला मोड भी जो है आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए अगर आप नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबाना गाइस, क्योंकि बहुत ही कुछ मजेदार अपडेट्स है रिलेटेड अबाउट द पबजी मोबाइल एंड ऑफकोर्स ये जो है गेम फॉर पीस से रिलेटेड है, बट ऑफकोर्स यार आई मीन गेम फॉर पीस पबजी एक ही है, बहुत सारे लोग आप जो मेरे व्यूअर्स है गेम फॉर पीस भी खेलते हो तो इसलिए मैं गेम फॉर पीस को भी कवर करता हूँ चैनल पे। एंड अभी तो आप देख ही रहे हो कि कितने सारे वर्जन है गेम फॉर पीस, चाइनीज वर्जन का है, ग्लोबल वर्जन ग्लोबल वालों का है एंड अभी रही बात इंडियन की, बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया भी आ रहा है, तो या मतलब बहुत कुछ वर्जन है। अभी मुझे स्पेसिफिक यू नो हर एक वीडियो में बताना पड़ेगा कि भाई ये है स्पेसिफिक वर्जन, क्योंकि तीनों देखा जाए तो पबजी के ही गेम है, पबजी बेस उनका है, यू नो गन सेम है, मैप सेम है, जस्ट एक ही थिंग है कि डेवलपर्स अलग अलग है, क्राफ्टॉन है, टेंसेंट है, यू नो ऐसे कुछ तो चीज है। बट जो भी है गाइस कुछ भी अपडेट आती है मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा गेम प्ले के थ्रू जब वो रिलीज होता है। सो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर वीडियो अच्छे लगे डेफिनेटली लाइक करना एंड अगर आप नए हो चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करना, उसके साथ नोटिफिकेशन की जो बेल है वो भी क्लिक कर देना। एंड ये रही बात अबाउट द वीकेंडी 2.0, अगर आपको पता नहीं है वीकेंडी 2.0 में क्या है, वैसे तो मैं यू नो बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन वीकेंडी 2.0 में पूरा का पूरा मैप जो है रिमास्टर्ड हो चुका है, पीसी वर्जन में बहुत पहले चेंजेस हो चुके थे, अभी जो है इसकी पारी मोबाइल में आने की है। एंड वीकेंडी 2.0 में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है जो कि है ट्रेन्स, या ट्रेन स्टेशन है, ट्रेन एड होने वाले हैं जब वीकेंडी 2.0 रिलीज होता है। एंड इसके साथ डायनो पार्क जो है डायनो लैंड में कन्वर्ट हो गया, बहुत ही बड़ी जगह है वो जुरासिक पार्क की तरह, एंड पूरा का पूरा जो मैप है वो इन टोटल यू नो चेंज हो गया है। सो बस गाइस जब भी अपडेट्स रिलीज होते हैं मैं डेफिनेटली आपको गेम प्लेस बता के इन्फॉर्म कर दूंगा, तो इसलिए नए हो तो सब्सक्राइब करना एंड मैं आपसे मिलूंगा गाइस अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो प्लीज सरकर आई वांट टू रीच 1 million लाइक्स, सो प्लीज सरपकर 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 आई करना यार।